सबूर रेहान की हालत वहाँ कुछ ठीक नहीं होगी। तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई क्या? अरे नहीं, कहाँ, मैं इधर उधर देखती रही उसको, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। तुमने आपा भी से पूछा क्या? उन्हीं से पूछ लेती। यार वो आशिर की कजन है ना, उसने हमें मौका ही नहीं दिया, साय की तरह साथ थी हमारे। और तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? कि रेहान को हम यहाँ बदले की आग पूरी करने के लिए लाए। यार उस बिचारी को स्टोर रूम में रखा हुआ है। पागल हो गए क्या ये लोग? और आशिर को क्या हो गया है? वो क्यों जाहिलों की तरह रिएक्ट कर रहा है? मेरी भी खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ यार। तुम आशिर से मिलके बात करो यार, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है रेहान पर। चलो ठीक है, मैं कल फिर जाती हूँ, बात करती हूँ उससे और रेहान से भी मिलने की कोशिश करती हूँ। हाँ प्लीज, और आशिर को भी समझाने की कोशिश करो। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस अम्मा खा लिया मैंने। क्या बात है, आज सुबह ही सुबह उठ गए तुम? वो अब्बा, मैंने सोचा अब जिंदगी को सीरियस ले लूं, सारी सुस्ती काहली को खैर बात कहकर अब बस काम में दिल लगाना है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात, तुम्हें अब जिंदगी की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। तुम्हारी उम्र के लड़के पूरा पूरा घर संभाल रहे हैं, बल्कि पूरे पूरे खानदान को चला रहे हैं। हाँ तो आप मेरा घर बसा दें, मैं आपको घर चला के भी दिखा दूंगा। आजकल तुम्हें बड़ा घर बसाने का ख्याल आ रहा है? ये ख्याल जरूर इसके ताया ने इसके जहन में डाला। खैर अब्बा, मुझे आपसे ना किसी किस्म की बहस में भी नहीं पड़ना, बस आप मेरी शादी करा देना रूबीना से। रूबीना? भाईजन की बेटी रूबीना? हाँ अम्मा, मैं ताया जी की रूबीना की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो भाईजान ने हमें बरादरी में शामिल करने की ये तरकीब सोची है। तो ठीक ही तरीका तो सोचा था ताया जी ने। भाई जब खानदान में किसी किस्म की नाचागी हो जाती है तो उसको इसी तरह खत्म किया जाता है, या तो रिश्ता लिया जाता है या रिश्ता दिया जाता है। और पहले आपने भी तो रिश्ता दिया था रेहान का, खैर उसी बेगैरत की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। तुम अपनी बात करो, रेहान का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी बात यह है कि आप और अब्बा मेरा रिश्ता लेकर चले जाएं ताया जी के, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रूबीना से ही। वाह वाह, यहाँ तो तुमने अपने आराम का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लिया है। हम तुम्हें यहाँ कमरों में आराम करने के लिए नहीं लाए। चलो उठो, बाहर आओ, आके काम करो, उठो। ये ऑमलेट लेना, मैंने खुद बनाया। मैं ऑमलेट लेता। तो फ्राई अंडा ले लें। चाय डाल दूं आपके लिए? मुझे नहीं चाहिए। बेटा प्लेट रखो और खुद बैठ के तुम कुछ खा लो, घर के कामों में ही लगी रहोगी। अरे कोई बात नहीं आपा, ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई? बड़ी आपा से तो अब काम करता नहीं है, और खान सामा छुट्टी गया है तो वापस ही नहीं आया, तो इस बेचारी को ही काम करना है ना, और इसमें बुराई क्या है, घर का काम है, करना चाहिए। नहीं, हम दूसरा खान सामा रख लेते। जब मुलाजमा घर में पहले से मौजूद है आपा, तो किसी दूसरे मुलाजिम को घर में रखने की क्या जरूरत है? अब आप खुद ही सोचिए आपा,
हम इस लड़की को घर के कमरों में कैद करने के लिए तो लाए नहीं है। अब आई गई है तो घर के काम काज ही करेगी अपने औकात के मुताबिक। अब खाना पकाना कौन सी इतनी बड़ी बात है? खाना पकाना तो तुम्हें आता ही होगा। हाँ जी आता है। ठीक है तस्नीम, जैसा तुम बेहतर समझो। चलो सुन लिया तुमने आपा ने क्या कहा। अब तुम्हें सिर्फ किचन नहीं संभालना, घर के सारे काम तुम्हें ही संभालने। चलो मेरे साथ। अम्मी आप बैठ के नाश्ता करें, आपने अभी तक नहीं किया। मैं देख लेती हूँ। चलो मेरे साथ। मामू जान आप ऑफिस मेरे साथ चलेंगे या आज भी देर से आएंगे? बाद में आता हूँ, पापा से कुछ जरूरी बात करनी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम रिहाम के ससुराल गई थी? नहीं आंटी, मैं कल जा नहीं सकी, बस अभी भी पहुंची हूँ वहाँ। अच्छा तुम उससे मिली थी, कैसी है वो? नहीं आंटी, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई उससे, जैसे ही मुलाकात होती है मैं बताती हूँ आपको। अच्छा बेटा, मुझे इंतजार रहेगा, मुझे जरूर फोन करना बेटा। जी आंटी बिल्कुल, अपना ख्याल। अंधी हो क्या? हाँ सीढ़ियां देखिए, मिट्टी पड़ी हुई है। झाड़ू नहीं लगाया, छोड़ दिया। बात सुनो, ये चलाकियां मेरे साथ नहीं चलेंगी। झाड़ू उठाओ और जाके मारो। मैं लगा चुकी हूँ वहां से झाड़ू। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं मेरे साथ। जो मैं कह रही हूँ वो शराफत से करो, ना बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। जी सोफिया आंटी कहाँ हैं? अपने कमरे में। उन्हें बता देती हूँ कि आप दोबारा आई हैं मिलने के लिए। ड्राइंग रूम में जाके बैठा। तुम किन हालात से गुजर रही होगी इस बात का तो अंदाजा था मुझे, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता सारा। जिस जिल्लत से मैं गुजर चुकी हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन रेहाम ये तो जुल्म है यार, और आशिर तो तुम्हें जानता है, उसके बाद भी उसने कैसे। मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सच्चाई मेरी बेगुनाही कोई मायने नहीं रखती। और जब सारी दुनिया ने मुझे कातिल करार दे दिया तो वो एक शख्स मुझ पे इम्तियाज क्यों बरतेगा? वो भी मुझे मुजरिम ही समझता है। तो तुम यूं ही ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? सजा है, बर्दाश्त तो करनी होगी। ये मेरा नंबर है,
शाकरा आंटी के पास। तुम मौका देख के उनसे बात कर लेना। अरे हाँ आपा, फिलहाल तो हम यहीं रहेंगे ना। फरा का रिश्ता आशिर के साथ ही होगा ना। आप फिक्र मत करें आपा, बहुत जल्द तौफीक अपनी बहन से रिश्ते के बारे में बात करने वाले। हाँ हाँ, नहीं मैंने बात कर ली है तौफीक से। आपा मैं कुछ ठहर कर आपसे बात करूँ? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुंह फुलाकर आ गई हो? कितनी दफा समझाया है कि हंसती मुस्कुराती रहा करो। ये सड़ी हुई सूरत देखकर तुम्हारी फूफा और आशिर क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बस कर दे अम्मी, मेरे हंसने मुस्कुराने से भी कुछ नहीं होना यहाँ। मेरे खुदाया, मुझे पता तो चले कि अब क्या हो गया। फिर आई है वो आशिर की दोस्त सारा, और इस बार तो फूफा के कमरे में डायरेक्ट गई है। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, कोई ना कोई चक्कर जरूर है आशिर का उसके साथ। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा की गलतफहमियां पाल रही हो। तुम देखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें और आशिर को निकाह के बंधन में बांधने वाली हूँ। अम्मी कहीं आपकी खुशफहमी ना रह जाए। खुशफहमी तो जिंदगी होती है मेरी जान, तुम भी खुश रहा करो, हंसती मुस्कुराती रहा करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। और तुम फिक्र मत करो, अरे आशिर के पास तो मैं उसको भी नहीं रहने दूंगी जो उसके निकाह में। ये सारा वारा क्या चीज है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बेफिक्र हो जाओ। आज तो मैंने आशिर की नाम निहाद बीवी को ठिकाने ही लगा दिया। क्या किया है, कुछ खिला पिला तो नहीं दिया? खत्म ही तो नहीं कर दिया उसे? खत्म भी कर दूंगी उसे, मैं जिंदा कहां रहने दूंगी? जिल्लत का जहर पिला पिला के मार डालूंगी मैं। देखो तस्नीम, आपा के दिल में उस लड़की के लिए शदीद नफरत और इंतकाम की आग है। जब तक ये आग बुझेगी नहीं ना, वो किसी दूसरी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस लड़की को निकालो वहां से, उसे घर के अंदर लेके आओ, उसे उसे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पे जलील करो, खुद भी करो और आपा से भी करवाओ। सबूर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज रिहाम को मैंने किस हाल में देखा। किस हाल में यार? घर की मुलाजमा से भी बदतर हाल है उसका। देखो तुम आशिर से बात करो और प्लीज उसे समझाओ कि अपने घर में ये जुल्म ज्यादती रिहाम के साथ बंद करवाए। उसे समझाओ रिहाम बिल्कुल बेकसूर उसके भाई के मामले में। ये जो सारे इल्जाम अदन उस पर लगा के गया है सारे झूठे हैं। क्या रेहम ऐसे फजूल से मैसेजेस कर सकती है अदन को, जिसकी बिना पर मीडिया ने उसे इतना उछाला कि रेहम को बदनाम कर दिया? यार हम इस बात की गवाह नहीं है कि रेहम किसी को भी मरने पे नहीं उकसा सकती। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तुम बात करोगी ना आशिर से? हाँ। अच्छा सारा, मुझे फैसल के साथ कहीं बाहर जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। अब हाफिज़। ऐसे तो भाईजन अपनी हर बात मनवाते जाएंगे और हम तो उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे, हमारी अपनी तो कोई भी जिंदगी नहीं रहेगी। हमारी जिंदगी? क्या हम जिंदा हैं शाकरा? जब तक सांसें चल रही हैं, जिंदा है।
ये अलग बात है कि जिंदगी अब असीयत बन गई है, सिल्लत बन गई है। मैं तो खुद अपनी बेटी को उसके दुश्मनों के हवाले करके आ गया हूं। इससे बढ़कर अजियत और इम्तिहान क्या होगा शाकरा? और जब हमारा अपना बेटा ही हमारी तकलीफ और अजियत से वाकिफ नहीं, जान से क्या गिला करना, वो तो अपनी शादी की खुशियों में मगन है। वो तो पता नहीं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो तो खुश होगा ही, लेकिन हमारी बेटी, हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। हमने उसकी खुशियों के लिए कुछ भी नहीं किया। वो अपनी तकदीर के लिखे का भुगत रही है शाकरा। मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता। हमें उसका पता करना चाहिए। पता मैं कैसे ब्याह कर ससुराल जाने वाली बेटियों का किया जाता है। कत्ल के इल्जाम में समझौते की भेंट चलने वाली लड़कियों का नहीं, वो मर गई है हमारे लिए। तुम भी खुद को समझा लो, वो मर गई। ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। शाकरा, मैं खुद खुद अपने इन हाथों से उसे समझौते की कब्र में उतार कर आया हूं, इसलिए ये कह रहा हूं कि मर गई है। तुम भी खुद को समझाओ। वो जिंदा है, वो जरूर आएगी एक दिन, हमारे पास आएगी। आप देखना, वो जरूर आएगी। डिसाइड कर लिया है कि मैं आशर को सब बता दूंगी। क्या बताओगी तुम उसको? वही जो सच है, जिसके बारे में आशर नहीं जानता। किस सच की बात कर रही हो तुम? फैसल, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। सच यह है कि वो मैसेजेस रिहाम ने नहीं, मैंने किए थे। सबूर जो होना था वो हो चुका है। अब आशर और रिहाम की शादी हो चुकी है यार। शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ बदला लेने के लिए घर पे लेकर आए। जो हो रहा है उन्हें तो तुम्हारा उन दोनों की जिंदगी से कोई लेने देना नहीं। कैसी बातें कर रहे हो फैसल? रिहाम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे ऐसी मिजरेबल लाइफ गुजारते हुए नहीं देख सकती। और मैं तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हुए नहीं देख सकती। मैंने कह दिया है बस आज से ये रिहाम का चैप्टर क्लोज। जब देखो आशर रिहाम, आशर रिहाम, हमारी अपनी भी कोई लाइफ है यार, अपनी तो कोई बात ही नहीं करते हम। जब देखो तुम इस टेंशन में बैठी रहती। लेकिन फैसल, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया बस। तो फिर बस, ना ही तुम आशर को कॉल करोगी और ना ही रिहाम का जिक्र। मामा, वो ऑस्ट्रेलिया वाला कंसाइनमेंट भेजना है तो आप एक बार ऑफिस आके देखो। बेटा, तुम उस प्रोजेक्ट को टोटली मैनेज कर रहे हो, मेरे देखने की क्या जरूरत है? और माशाल्लाह तुम मुझसे ज्यादा अच्छा मैनेज कर रहे हो। पापा, मेरा ख्याल है आशर बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए ना, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि आशर की मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी आपका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है उतना आशर का तो नहीं है ना। अभी एक नजर देख लेते हैं, क्या हर्ज है। मामू जान ठीक कह रहे हैं। ठीक है, कल मैं दफ्तर में देख लूंगी। क्या है ये? आज टेबल पर कोई नैपकिन है, टिश्यूज हैं। आज मैंने रिहाम से कहा था कि टेबल लगा दो, कोई काम ढंग से करती नहीं ये लड़की। रिहाम, रिहाम, देख रहे हैं आप, जानबूझकर जवाब नहीं दे रही।
लापरवाह ढीठ लड़की है। तस्नीम, गलती मेरी थी, मुझे मेज देखनी चाहिए थी। मैं ले आती हूँ नैपकिन और टिश्यूज। जी, खाने की टेबल किस तरह लगाई है तुमने? नैपकिन कहाँ है टेबल पर? मैं ले आती हूँ। ये तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? हाँ, दो तीन काम करने होते घर में, वो भी तुमसे कह कह के करवाने होते। ढीठ और लापरवाह लड़की हो तुम, कोई तमीज कोई सलीका नहीं है तुम्हें। छोड़े अम्मी, इसको क्या पता है नैपकिन और टिश्यू क्या, कहाँ ख्याल रखते होंगे सफाई का अपने घर में। जाओ अपनी मनुष्य शक्ल गुम करो, खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाके नैपकिन लेकर आओ, आशर को भी हाथ साफ करने। बड़ी ठीठ लड़की है ये तो। ये मेरा नंबर है, शाकरा आंटी के पास। तुम मौका देख के उनसे बात कर लेना। अरे बेटे, वो अभी तक यहीं, आराम कर लो जाकर। मैं बर्तन धो रही थी बस। बर्तन तो धुल गए, तुमने खाना खाया? जी खाया था। तो बेटे जाओ आराम कर लो जाके। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए, कुछ चीजें समेट लूँ। तौफीक, मेरा ख्याल है कि अब आपको आपा से आशुर और फरा की शादी की बात कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुनासिब वक्त देख के बात करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मौका देखने की क्या जरूरत है? भाई हैं आप उनके, सीधे सीधे बात करें। भले मेरी बहन है लेकिन मैं बेटी का बाप भी तो हूँ ना। अच्छा थोड़े लगता है मुंह फाड़ के अपनी बेटी के रिश्ते की बात करूं। ठीक है, अगर आपको बात करने में मुश्किल हो रही है तो फिर मैं किसी तरीके से ना आपा के कान में ये बात डालती हूँ। नहीं नहीं, तुम हरगिज़ बात नहीं करना। तो मालूम तुम क्या बात करो, मैं देखता हूँ एक दो दिन में जब आपा का मूड अच्छा होगा मैं कर लूंगा बात उनसे। प्लीज, एक दो दिन का मतलब एक दो दिन ही होना चाहिए, आप उनसे जल्द से जल्द बात करें। अब इस एक बात के लिए हम कितने दिन यहाँ रहेंगे? अरे हाँ, मुझे भी इतनी जल्दी है, मैं भी सोच रहा हूँ अब इस मामले को निपटा ही दूं। हेलो, रेहम शुक्र है मेरी बच्ची, तेरी आवाज सुनी मैंने। किसी आप बेबस हूँ, तेरी तकलीफ का बदावा नहीं कर सकती। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। खुदा के सामने हाथ फैलाकर तुम्हारे लिए आसानियों की मदद मांगती हूँ। इससे कुछ और बेहतर हो भी नहीं सकता अम्मा, क्योंकि मेरे मामले में इंसानों से भलाई की उम्मीद नहीं रख सकती मैं। बस
नफरत और बदले की आग है। बेटा तुम आशिर को सब कुछ सच सच बताने की कोशिश करो, वो तो तुमसे मोहब्बत का सच। मोहब्बत? ये लफ्ज मेरे लिए बहुत बेमायने है अम्मा। बस अब रहम की उम्मीद में हूँ अम्मा। दुआ करें कि इन लोगों के दिलों में मेरे लिए रहम आ जाए अम्मा। या फिर दुआ करें कि अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। अरुण साहब, आप शब्बीर ग्रुप्स वाला प्रोजेक्ट जो है अदन एंटरप्राइजेस को दे दीजिए। जी जी, मैं जानता हूँ प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अदन एंटरप्राइजेस भी छोटी नहीं है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए और प्रोजेक्ट मैनेजर से कहें मुझे पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दें, बाकी मैं देख लूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं तुझसे मिलने आ जा रही हूँ। नहीं अम्मा, आप यहाँ मत आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आती, तुम किसी ना किसी बहाने उसे एक बार मिल लो। तुम्हारा चेहरा देखे नहीं अम्मा, मैं भी आपसे मिलने नहीं आ सकती। क्या कर रही हो तुम यहाँ? किससे बात कर रही हो? मैंने पूछा किससे बात कर रही हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन को हाथ लगाने की? मैं अम्मा से बात कर रही थी। ना तुम्हारी कोई माँ है और ना तुम्हारा कोई बाप, मर चुके हैं वो तुम्हारे लिए और तुम उनके लिए। दोबारा अगर इन हाथों से हाथ लगाए ना फोन को तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे में। तुम्हें तो मैं सुबह को निपटूंगी, जाओ इस वक्त, दफा हो जाओ मेरे सामने, जाओ जाओ। सोई नहीं अभी तक, क्या बात? नींद नहीं आ रही। रिहान की याद आ रही है। सच कहते हैं लोग, बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, वरना उनकी जुदाई के बाद जीना मुश्किल हो जाता है। आप उसकी खबर क्यों नहीं ले लेते, मिल क्यों नहीं लेते? आप तो उसका घर जानते हैं ना? नहीं पता मुझे उसके घर का, और अगर पता हो भी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। सो जाओ। जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है।
ना तुम्हारी कोई माँ है और ना तुम्हारा कोई बाप। मर चुके हैं वो तुम्हारे लिए और तुम उनके लिए। जैसे एक इंतहा ढलती न गम की रातें क्यों गुजरी जो मुझ पे जी। तो चाह रहा था कि उस लड़की का हाथ पकड़ूं और उसे बालों से घसीटती हुई आपा के कमरे में ले जाऊं और उस आशिर से पूछूं कि रात के अंधेरे में उस लड़की के पास खड़ा क्या राज और न्याज कर रहा है। ना तो किस चीज ने रोका था, मचा देती ना शोर, उद्धम मचा देती, घसीट के लेके जाती आपा के पास, सारा राज खोल देती। अपनी बेटी का ख्याल आ गया बस। ओ बाबा, हमारी बेटी का इस बात से क्या ताल्लुक है? हाँ बिना कमाल करते। अब खुद सोचिए, अगर आज मैं उस बेगैरत लड़की के साथ आशिर की बेइज्जती कर देती तो कल को वो हमारी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी होता? मतलब ये कि कल सुबह मैं ये सारा मलबा रिहाम के सर पे डाल दूंगी, जैसे आशिर ने कुछ किया ही नहीं। आप भी तो कह रहे थे ना कि आपको आपा से बात करने के लिए कोई बहाना चाहिए। अब तो मिल गया बहाना, जबरदस्त बहाना मिला है। अब तो आप आपा से आशिर और फरा की शादी की बात कर सकते हैं। बिल्कुल करूंगा, इतना अच्छा मौका जाया थोड़ा ही जाने दूंगा मैं। तो मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करूंगी। हो जाएगी सुबह भी हो जाएगी। अभी फिलहाल आज की रात तो सुकून की नींद सोने दो और सो जाओ तुम भी। वहां से मुझे कंबल या चादर दे दो प्लीज। बना ली चाय? आप अभी ये मैंने सोफिया आंटी के लिए चाय बनाई है, मैं उनके पास लेके गई तो उनका मूड खराब हो जाएगा। बस चाय खत्म कर लूं मैं। दिया आपा का मूड जितना खराब होना था ना हो चुका है। अब तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। चलो तो मेरे साथ। क्या हो गया तस्लीम, क्यों हर वक्त इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती? अरे रहने दे बड़ी आपा, ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है, बड़ी पहुंची हुई चीज है। इसके इस मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो बड़ा ही फरेबी है। क्या मतलब है फरेबी? बड़ी आपा ये लड़की फितना है फितना। सारा दिन मीसनी शक्ल बनाए, नजरें झुकाए इधर से उधर काम करती फिरती है और रात होते ही अपनी असली शक्ल में आ जाती है। बड़ी मक्कार है ये लड़की। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। अरे बड़ी आपा, आपको तो मेरी बातें वैसी समझ में नहीं आती। ठीक है चले आपा के सामने चले, आपको खुद समझ में आ जाएगी। तुम तो चलो, तुम्हारी अच्छा लोग खबर लेंगे कि तुम्हें तो जाए मैं तो चलो। अरे चलो तुम्हें पता चले हुआ क्या है, आजाब खड़ा करेगी अब ये कोई। चलो आपा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसने आशिर का हाथ थामा हुआ था और बहुत करीब खड़ी थी, इसकी आंखों में आंखें डाले न जाने क्या सोच रही थी और इसके इरादे क्या थे। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि मैं ऐन मौके पर पहुंच गई। ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने जो देखा ही। अरे जो कुछ मैंने देखा है ना, तोबा, मैं तो आपा के सामने वो बात कह भी नहीं सकती। तस्लीम हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो, उसकी बात तो सुन लो। बड़ी आपा खुदा के वास्ते आप तो इसकी हिमायत करना बंद करें। और ये लड़की इस काबिल है कहाँ कि कोई से हमदर्दी करे। आपा इसने पहले अदन को फंसाया और अब आशिर को बहका रही है। ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों तुम मुझे झूठा कह रही हो? झूठा